Hello dear students welcome you all to the bishop academy online classes in this video today we understand about the chapter number 6 economic reforms since 1991 or the new economic policies for class 12th and it is our third part our today's topic is privatization and need for privatization privatization जब हम बात करते हैं प्राइवेटाइजेशन का तो प्राइवेटाइजेशन के सेंस को समझिए नॉर्मली क्या होता है जब कोई अथॉरिटी किसी इंडिविजुअल हैंड्स में रह कर काम करती है या कोई सेक्टर जो किसी इंडिविजुअल या सोल ऑनरशिप में वर्क करता है जो कि गवर्नमेंट के अंडर कंट्रोल नहीं होता है बट गवर्नमेंट्स के रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करने का काम करता है वो प्राइवेटाइजेशन को रेफर करता है नॉर्मली अगर स्टेटमेंट के थ्रू देखें प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटाइजेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ इन्वॉल्विंग द प्राइवेट सेक्टर इन द ऑनरशिप ये एक ऐसा प्राइवेटेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें क्या किया जाता है जो प्राइवेट सेक्टर्स होता है उसको इन्वॉल्व करने का काम किया जाता है या फिर उसको ऑनरशिप फारवर्ड करने का काम किया जाता है यानी कि जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है अलग अलग इंटरप्राइजेस को क्या करती है प्राइवेट सेक्टर्स में कन्वर्ट करती है प्राइवेट हैंड्स को और उसके ऑपरेशन के लिए उसकी ऑनरशिप के लिए ट्रांसफ़र करती है और द ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज यानी कि वो इंटरप्राइज़ेस वो बिजनेस अथॉरिटीज़ या वो बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जिसको गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करती है तो उनको अगर वो ट्रांसफ़र करती है या उसमें क्या करती है प्रोसेस उस प्रोसेस की बात करती है जिसके थ्रू वो क्या करती है किसी प्राइवेट सेक्टर्स को उसकी ऑनरशिप ट्रांसफ़र करने का काम करती है जब हम बात करते हैं इट्स एम्प्लाइज द ग्रेडुअल विदड्रॉल ऑफ द गोर्मेंट ऑनरशिप मैनेजमेंट फ्राम द पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज इट मे बी हैपन इन टू वे नॉर्मली अगर इसकी हम बात करें तो जब हम क्या करते हैं गवर्नमेंट ऑनरशिप या मैनेजमेंट को क्या करते हैं पब्लिक से प्राइवेट की तरफ मूव करते हैं तो ये दो तरीके से होता है फर्स्ट अगर देखें तो आउट सेल ऑफ द गवर्नमेंट इंटरप्राइज टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स यानी कि क्या करती है गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या करती है अपने जो इंटरप्राइजेज हैं जो बिजनेस अथॉरिटीज़ हैं जिसको गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल एंड मैनेज करने का काम करती है उसको वो क्या करती है जो प्राइवेट इंटरप्रन्योर इंटरप्रेन्योर इज़ दैट अ पर्सन ऐसा मजिए बिजनेस होता है ये वो व्यक्ति जो बिजनेस को इस्टेब्लिश करने का काम करता है तो उसको वो बेचने का काम करती है या अपने राइट्स को क्या करती है पूरी तरीके से सेल आउट करती है दूसरा क्या होता है दूसरा गवर्नमेंट क्या करती है मिक्स कर देती है इंटरप्राइजेज को यानी कि जॉइंट वेंचर्स को इस्टेब्लिश करने का काम करती है

अब इसमें आती है डिस इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो डिस इन्वेस्टमेंट का सेंस क्या होता है द डिस इन्वेस्टमेंट इज़ पॉलिसी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट टू प्रोमोट द प्राइवेटाइजेशन ये एक ऐसा पॉलिसी जो होता है गवर्नमेंट का जिसके थ्रू वो क्या करती है प्राइवेटाइजेशन को यानी कि जो प्राइवेट uh, का सेंस तो आपको पता ही होगा प्राइवेट का व्यक्तिगत वाली सिचुएशन को क्या करती है प्रोमोट करने का काम करती है इट्स अकर्स द वैन द गवर्नमेंट सेल इट्स शेयर कैपिटल ऑफ पी एस यू यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स to the प्राइवेट सेक्टर्स अब ये तब होता है ऐसी सिचुएशन तब आती है डिस इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन तब आती है डिस इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन से समझ लीजिए पहले डिस इन्वेस्टमेंट की जब बात करते हैं तो नॉर्मली क्या करती है गवर्नमेंट क्या करती है जो इन्वेस्टमेंट उसने किया होता है किसी इंडस्ट्री या किसी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे या इंटरप्राइजेस पे उसको वो क्या करती है सेल आउट करके उस इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने का काम करती है जब वो विद्रॉल करती है तो ऐसे प्रोसीजर को ही क्या किया जाता है डिस इन्वेस्टमेंट कहा जाता है तो यहाँ पर वो क्या करती है शेयर कैपिटल जो पी एस सी पब्लिक सेक्टर्स अंडरटेकिंग्स से होती हैं उसको प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ या प्राइवेट स को, को बेच देती है तो इस सिचुएशन में वो क्या करती है करने का काम करती है फिर आर्ग्यूमेंट इन द फेवर ऑफ दिन की बात करेंट का सिचुएशन और प्राइवेटाइजन दोनों अलग अलग चीजें होती हैं लेकिन क्या है दोनों एक ही तरह की होती हैं उसमें हम क्या करते हैं शेयर देखो डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है हम शेयर्स या कैपिटल शेयर्स जो हम कह लें पी एस यू जो है यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है उसके बेसिस पे देखें तो हम क्या करते हैं उसको बेचने का काम करते हैं यानी गवर्नमेंट क्या करते हैं है? शेयर्स को पब्लिक को बेच देती है और प्राइवेटाइजेशन uh, में भी क्या करती है वो पूरी तरीके से जो उसका इंडस्ट्री uh, uh, होती है वो पूरी तरीके से प्राइवेट सेक्टर्स के हैंड में ओवर कर देती है फोर्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं इट इज टेकन एज रेमिड मेजर टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन एंड द मैनेजरियल इफिशियंसी एज वेल एज द फैसिलिटीज ऑफ मॉडरशन इसका करने का सबसे थोड़ा रीज़न क्या है कि मान लीजिए मैंने आपको बताया था कि एट द बिगिनिंग ऑफ टाइम हमारी कंपनी गवर्नमेंट ने क्या किया था सेवेंटी इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश किया था जो पहले से रन कर रही थी या जो भी थी उसको अंडरटेकिंग कर लिया था धीरे धीरे उसमें क्या हुआ उसको रिड्यूस करके इसने एड कर दिया और आज के टाइम में केवल थ्री रह गया है जिसमें हमारा अटॉनमिक हो गया रेलवे हो गया और uh, डिफेंस सेक्टर आता है तो एटलीस्ट इसमें क्या है कि इन सभी चीज़ों में क्या किया है जो पहले इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट इन सेक्टर्स में यानी पब्लिक सेक्टर पी एस सी यूज पे कर दी थी अब वो ज़्यादा होने की वजह के साथ साथ तो उस पर जो रिज़ल्ट जैसा गवर्नमेंट सोचती थी न मिल पाने की वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया उसको प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव करना ही बेहतर समझा रीज़न ये था कि ये सिख थी इनके बस एक लाइविलिटीज़ की तरह गवर्नमेंट इनको डील करने का काम करती थी लेकिन जैसे ही जैसे गवर्नमेंट ने इसको प्राइवेट सेक्टर्स की तरफ मूव करना शुरू कर दिया तो प्राइवेट सेक्टर्स का मोटिव जो होता है वो प्रॉफिट मोटिव होता है तो प्रॉफिट को अर्न करने के लिए जो उसमें रिक्वायर्ड थिंग्स थी जो उसकी इफिसियंसी को बढ़ा सकती थी उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकती थी उन लोगों ने उसको पूरी तरीके से करने का काम किया जैसा कि आपको पता है कि ये हम बात करते हैं एल पी जी के सिचुएशनस पे यानी कि 1991 के न्यू इकोनॉमिकल पॉलिसी जो हमारे पास है उसके बेसिस पे ऑफ कोर्स द डिस इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो यूज एज अ अन्स ऑफ मैनेज फिजिकल डिफिसिट बाय द गवर्नमेंट क्या है कि इस डिस इन्वेस्टमेंट की सिचुएशन को गवर्नमेंट क्या करती है एक तरह देखें तो जो फिजिकल डिसफिसिट होती है यानी कि जो इकोनॉमिकली uh, उसको जो क्राइसिस चल रहे होते हैं गवर्नमेंट के या इकोनॉमिकली जो प्रॉब्लम्स चल रही होती है उसको सेटल करने का काम करती है अब हम बात करते हैं नीड ऑफ प्राइवेटाइजेशन प्राइवेटेशन की जरूरत क्यों पड़ी जब प्राइवेटेशन की जरूरत की हम बात करते हैं तो पहली सिचुएशन की बात कर लें द प्रोसेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन वॉज इनिशिएटेड ड्यूरिंग द सेकेंड फाइव ईयर प्लान एज्यूमिंग द की रोल ऑफ पी एस जो सेकेंड फाइव ईयर प्लान था हमारा उसमें जो इंडस्ट्राइजेशन था उसकी बहुत जरूरत पड़ी और उसमें बहुत अच्छे तरीके से इंडस्टलाइशन जिसमें देखा गया कि ये क्या की रोल के रूप में हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में वर्क कर रहा है यानी हमारी अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो थी उसमें इंडस्ट्री एक की रोल के रूप में वर्क कर रही थी सेकेंड लाइन कहता है द इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिफॉर्म्स रिशोल्यूशन नाइनटीन की अगर बात करते हैं तो क्लियरली कैटेगराइजली स्टेट द सिग्निफिकेंस ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ पी एस यूज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अब इसकी अगर बात करते हैं तो इंडस्टलेशन पॉलिसी जो नाइनटीन फिफ्टी सिक्स हमारी थी उसमें से क्लियरली और उसको साफ सुथरा कैटेगराइज किया गया था साफ सुथरे तरीके से कैटेगराइज किया गया था कि द स्टेट ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ द पी एस यूज इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट साफ साफ बताती है कि इसकी वजह से यानी कि जो रिजोल्यूशन हमारा रहा रिजोल्यूशन नाइनटीन में साफ बहुत हद तक क्लियर हो गया कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ ही क्या है डेवलपमेंट का एक मेन रीज़न रहता है जो कि हमारे पास कहाँ से आता है वो पी एस यूज के माध्यम से आता है यानी पी एस यूज के थ्रू ही हम अपना इंडस्ट्रियल जो ग्रोथ है या अपनी जो ग्रोथ है उसको मेनटेन कर सकते हैं थर्ड पॉइंट की जब बात करते हैं तो इसमें कहता है इट्स बियॉन्ड अ डाउट दैट इज दैट वॉज द थ्रू The spread of PSUs that India could not diversify its industrial between the period of 1951 to till 1990 वन तो नहीं नहीं सही बात है कि भैया ये तो सोचा गया ये देखा गया कि इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हमारा पी एस यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स तो बहुत ही ज़रूरत है लेकिन जिस तरीके से इस इंडस्ट्रीज़ को क्लेरिफाई होना चाहिए था जिस तरीके से इसको वर्क करना चाहिए था जैसे यहाँ पे कह रहा था थ्रू द स्प्रेड ऑफ पी एस यूज दैट इंडिया वेरीफाइड इट्स इंडस्ट्रियल बेस्ड बिटवीन पीरियड ऑफ 1951 फिफ्टी वन टू नाइनटी तो इस पीरियड में जो डाइवर्सिफिकेशन होनी चाहिए थी जो बदलाव आने चाहिए थे ठीक है वो पूरी तरीके से नहीं रहे और इसमें कहता है इट इज अबियॉन्ड अ डाउट ये डाउटफुल रहा ठीक है जब हम फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं जिसे क्या कह हमने कहा कि लगभग देखिए तो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं आ पाया जिस तरह से परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, के बेसिस पे इंडस्ट्रीज ने तो हमारी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट को ग्रोथ तो दिया है लेकिन जिस तरीके से होना चाहिए था वो चीज़ें इस पर नजर नहीं आ पा रही थी फोर्थ पॉइंट की अगर बात करें इट वॉज ऑन अकाउंट टू स्प्रेड द पी ठीक है ये पी जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थी इनका अपना लाइबिलिटीज बनती है कि वो क्या करें पी एस को या पब्लिक अकाउंट गवर्नमेंट की भी अपनी लाइबिलटीज बनती है कि वो क्या करें इस तरह के जो सेक्टर्स से है उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने का काम करें खासतौर से पब्लिक अंडरटेकिंग्स थे या इंडस्ट्राइजन जो थी

क्या थी ज़्यादा नहीं थी वो अभी क्या थी स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन उसमें चल रहा था यानी कि वो भी धीरे धीरे ग्रोथ कर रही थी और इसकी वजह से क्या था कि जो पीपल्स थे वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो गए जो एग्रीकल्चर जो ट्रेडिशनल फार्मिंग करते थे वो क्या हो गए शिफ्ट कर गए कॉमर्शियल फार्मिंग की तरह उन्होंने क्या किया टू शिफ्ट फ्राम द एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज़ और वो भी क्या हो गए एग्रीकल्चर से इंडस्ट्रीज की तरफ साथ साथ वो शिफ्ट होने शुरू हो गए एज दर सोर्स ऑफ लिविंग हुड किस बेसिस पे सोर्स ऑफ लिविंग हुट यानी कि अब उनको पता चल गया कि इंडस्ट्री में काम करने से उनके लिविंग हुड पर बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है देयर वॉज अ ग्रेडुअल इंक्रीज़ इन द परसेंटेज ऑफ कंट्रीब्यूशन ऑफ द जी डी पी इंडस्ट्री टू द जी डी पी और इस तरीके से जब लेबर मिलने लगे इंडस्ट्रीज ग्रोथ होने लगी तो उस पर हिसाब साफ देखा गया बहुत बड़ा बदलाव आया ज़्यादा इंक्रीजमेंट रही अच्छा परफॉर्मेंस रहा हमारा इंडस्ट्रीज का किस ग्रोथ करने में जी डी पी को ग्रोथ करने में अब इसके साथ साथ क्या है कि हमारे कुछ नौरत्न रहे जिसमें पी एस अंडरटेकिंग की अगर बात करते हैं तो कुछ नौ हमारे आते हैं जिसमें अगर हम देखें तो हमारा एक सेकेंड हम लोग क्या बोलते हैं उसको कहते हैं देखिए इंडियन ऑयल नौरत्न में आत्वर हाँ आता है इंडियन ऑयल हो गया भारत पेट्रोलियम हो गया ओ हो गया सेल हो गया इसके साथ साथ हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया एन हो गया विदेश संचार निगम हो गया आई हो गया एंड बी एच ई एल यानी कि भारत हैवी इसका भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ये हमारे कुछ नवरत्न थे जो जैसे में हमने पहले बताया कि आपको पहला हमारा नवरत्न आता है इंडियन ऑयल इंडियन ऑयल हमारा होता है दूसरा हमारा आता है दूसरा है भारत पेट्रोलियम थर्ड वन ओ एन जी सी यानी कि अगर हम बात करें अगर फुल फॉर्म के बेसिस पे तो इंडियन ऑयल की बात करें तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की ये बोलता है देन आफ्टर हम बात करते हैं बी पी सी एल की बात करें भारत पेट्रोलियम लिमिटेड की बात करता है ये एंड आफ्टर डैट अगर हम बात करें ओ एन जी सी की तो ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन को रिप्रजेंट करता है दैट्स आफ्टर डैट अगर हम बात करें सेल की तो ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात करता है तो ये कुछ ऐसे रहे कि जो इसके अलावा हमारे पास हिंदुस्तान पेट्रोलियम का था भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड था फिर इंडियन पेट्रो केमिकल कॉरपोरेशन लिमिटेड हमारा जो आई है इसके साथ एच पी सी एल की अगर बात करें एच पी सी एल की जब बात करते हैं तो ये कहता है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड और एन टी पी सी और एन टी पी सी की जब बात करते हैं तो नॉर्मली नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन तो इस तरीके से देखें तो तकरीबन नाइन ज्वेल्स यानी कि नौ रत्न इंडस्ट्रीज हमारे इंडिया में आज भी हैं जो कि महारत्न या मणिर रत्न के नाम से भी जाने जाते हैं नॉर्मली अगर देखें तो कहता है फोर्थ फिफ्थ फाइंड करता है ग्रेडअली द मोस्ट पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज टर्न इन टू एज अ सोशल डेड वेड यानी कि सोशल लाइबिलिटीज़ के बेसिस पे करते हैं द अमाउंटिंग माउंटिंग लॉसेज ऑफ द पी एस यूज बिकम द अनसस्टेनेबल तो इनमें क्या रहा कि जो इनकी लॉस थी जो इनमें जो प्रॉब्लम्स आ रहे थी, उस unsustainable रही थी वो अनसस्टेनेबल नहीं उसमें बहुत सारे बदलाव की जो जरूरत थी वो पूरी तरीके से जनरेट नहीं हो पा रही थी जो इनकम इनको चाहिए था उस तरीके से इनको इनकम भी नहीं मिल पा रहा था जब हम अगले पॉइंट की बात करते हैं लीकेज की अगर बात करते हैं लीकेज हो गया पिलफेयरस हो गया एफिसियंसी एंड अ कार्पोरेशन हैज़ बिकम अ सो रैम्प इन दी एस यूज दैट द देयर प्राइवेटेशन वॉज कंसिडर्ड एज द वनली रेडीमेड तो नॉर्मली क्या रहा कि जिस तरीके से करप्शन देखें लीकेज़ की सिचुएशन को देखा रहे हैं इन इफिसियंसी की बात करें आपको पता था मैंने पहले बताया था कि यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक जॉब आते हैं गवर्नमेंट जॉब में लोग रहते हैं तो वो अपने आप को सेटल मान लेते हैं सेटल मानने के बाद काम करें तो ना करें तो उनको पता रहता है कि सैलरी आनी आनी तो उस सिचुएशन में क्या होती है कि वो थोड़े से लापरवाह इनसीफिसंसी आती है और करप्शन किसी भी काम करने के लिए आ जाइए गवर्नमेंट सेक्टर में तो कहीं ना कहीं हमको पैसे देने पड़ते हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है जो हमारे फेवर की नहीं होती है तो ये तमाम तरह की जो चीज़ें रही और उनके दिमाग में भी क्या है कि ज़्यादातर चीज़ें क्या होता है प्राइवेटेशन वॉज द कंसिडर एज अ द रेडीमेड प्राइवेटेशन की अगर बात भी करते हैं तो नॉर्मली वो रेडीमेड सिचुएशन की बात करते हैं बनी बनाई चीज़ों की बात करता है जो हमारे पास पहले से प्रिपेयर होकर आ रही हैं सेवन्थ पॉइंट की अगर बात करते हैं अकॉर्डिंगली 1991 की अगर बात करें तो द गवर्नमेंट डिसाइडेड टू फेस आउट द पब्लिक इंटरप्राइजेज by सेलिंग its इक्विटीज टू द प्राइवेट इंटरपेन्योर्स तो गवर्नमेंट ने रिसाइड किया नाइनटीन एंटी वन में कि भैया हम क्या करेंगे अब जो पब्लिक सेक्टर्स के इंटरप्राइजेज हैं उनकी इक्विटीज़ को प्राइवेट सेक्टर इंटरप्रेन्योर्स को सेल करना यानी कि जो शेयर है उनको हम क्या करेंगे प्राइवेट सेक्टर्स इंटरप्रेनियोर्स को सेल करने का काम करता है प्राइवेटाजन वॉज ऑल्सो द रिप्लेस द पब्लिक ऑनरशिप ऑफ द लास्ट नंबर ऑफ द प्राइवेटाइजेशन की अगर बात भी करते हैं तो इसने क्या किया प्राइवेटाइशन ने जो बहुत बड़ी क्वांटिटी में जो पब्लिक एंटरप्राइज थे उनकी ऑनरशिप को प्राइवेट ऑनरशिप की तरफ मूव करने का काम किया गया हावेवर इन व्यू ऑफ देयर इफिशियंसी परफॉर्मेंस नोरतन वॉज टू बी रिटेन्ड एज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नीड इीड इन डीड द गवर्नमेंट डिसाइड टू अपग्रेड देयर फंक्शनल फ्रीडम विथ टू द इनहसिंग दियर कॉपरेटिव स्ट्रेंथ अब नॉर्मली यहाँ गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया कि भैया नहीं अब हम इस तरीके की चीज़ों को बहुत ज़्यादा क्या करेंगे अडॉप्ट uh, नहीं करेंगे जिसमें हमारी सिख इंडस्ट्रीज हैं और साथ ही साथ ऐसे इंडस्ट्रीज़ को ज़्यादा ग्रोथ देने का काम करेंगे जिसमें हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा हो और नहीं तो हम क्या करेंगे उसको तो प्राइवेटाइजन की तरफ मूव करेंगे और प्राइवेटाइजेशन होने की वजह से क्या है कि उसको बेहतर करने की कोशिश उसकी जी उसका जो पार्ट है वो जी में ज़्यादा हिस्सेदार बनना शुरू हो गया ये तमाम तरह की चीज़ें जो गवर्नमेंट ने सोची जब हम बात करते हैं आगे तो अब हमारी बात आती है थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ द क्वेरीज यू शुड बी कंसल्ट थ्रू द गूगल क्लास रूम